किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। आपको अंदाजा नहीं है भाभी बेगम हमारी कितनी जगह सही हो रही है। पूरा मीडिया बिजनेस सर्कल के लोग थू थू कर रहे हैं हम पे। मजदूरों के लवाकीन ने तो ऑफिस में आके पथराव भी किया है और ये सब वली की जिद की वजह से हो रहा है। आज उसी की वजह से हमें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोग तो आपको ही बुरा भला कहेंगे ना, आप जो उसके सियासफेद पर पर्दे डालते आए। इसीलिए आपसे कहती थी कि ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि वली से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अकबर अभी भी वक्त है, अनाउंस करके जान छुड़वाए उससे। अपना पेट जाग करके लोगों को दिखाने का मतलब समझती हो तुम नरमीन बेगम? नश्तर अपने हाथ से लोगों को पकड़ा दूं मैं क्या? ये मैं नहीं कर सकता। और अब जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसका सामना कैसे करेंगे आप? और किस किस को जवाब देंगे कि आप वली के जिम्मेदार नहीं है? पर कितने लोग मर गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। अकबर हुसैन, वली का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मुंह छुपा के कहीं पड़ा हुआ होगा। इतनी हिम्मत उसमें कहाँ है कि वो दुनिया वालों का सामना कर सके? पता नहीं वो अपने कद से बड़े काम करता ही क्यों है। जी भाभी बेगम, आखिरी इतला आने तक वो जय वो कूपे गया था। वहां लोग मुश्तल थे उसको मारने के लिए। वहां से गायब हो गया वो और कोई पता नहीं है कि कहां गया है। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अकबर हुसैन, वो आपका खून है, उसे तलाश कीजिए ना। इस मुश्किल वक्त में उसको आपकी बहुत जरूरत है। जी जी भाभी बेगम, मैंने दानियाल से भी यही कहा है कि हम वली को सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाभी बेगम बहुत नुकसान हो गया करोड़ों का। हमारी साख देखकर बहुत सी कंपनियों में पैसा लगाया था हमारे साथ, बैंक लोन के साथ इन सारे लोगों का भी पैसा वापस करना पड़ेगा। बहुत बड़ी गेम है भाभी बेगम, और वली अभी इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हुआ। इंसान जब अपनी औकात से बढ़कर काम करता है ना, तो यूं ही मुंह के बल गिरता है जैसे वली गिरा है। भाभी बेगम, अब वली को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वली को उसका खरूर ले डूबा है। के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? आंटी वो मुझसे बदतमीजी। तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे थप्पड़ मार दो? ये सिला दे रही हो मुझे अपने घर में रखने का? आंटी मुझसे बर्दाश्त नहीं। इस घर में रहना है तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना सीखो। मैंने तुम्हें अपने घर में रखकर कोई गलती की है, इस बात का एहसास मत दिलाओ मुझे। आंटी आप कैसे, वो गैर मर्द है। और गैर मर्द तो वली भी है, या फिर यूं कहो कि वली के लिए तुम्हारे उसूल और हैं और बाकी दुनिया के लिए और। क्या कह रही हैं? बस ज्यादा पारसाई का ड्रामा मत करो मेरे सामने, सब जानती हूँ, दुनिया देखी है मैंने। और सुनो, तुम्हें माफी मांगनी होगी सरफराज से, उसके साथ तुमने बदतमीजी की है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने? आंटी लेकिन हाँ यानी बोलो क्या? कब?
कहाँ? नहीं नहीं मैंने, रुको मैं टीवी ऑन करती हूँ। अभी अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन और अकबर हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी की जेर तामीर आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। मलबे तले दबने वाले जख्मियों को निकाला जा रहा है। हमारे नुमाइंदे, उसका कुछ पता नहीं चल रहा आंटी, कोई ट्रेस नहीं मिल रहा, उसका फोन नंबर भी बंद है, ऑफिस गया था, वहां भी ढूंढा, इवन जो इमारत मलबे का ढेर है ना, मैं वहां भी गया था, मुझे लगा शायद वो वहां होगा, मगर वो वहां भी नहीं। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि उसको किसी ने फंसाने की कोशिश की है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो बेईमानी नहीं कर सकते, वो बेईमान नहीं है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ आंटी, वली इतना सख्त दिल नहीं हो सकता, बल्कि ये प्रोजेक्ट तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे उसकी, उम्मीदें थी उसकी, वो सारे ख्वाब वो सारी उम्मीदें जमी बोस हो गए। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगा। नहीं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है। आंटी आप बस दुआ करें कि वो जहाँ भी हो ना खैरियत से हो, क्योंकि अगर वो खैरियत से हुआ ना, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वली बहुत हिम्मत रखता है, वो दोबारा खड़ा होगा, इस दुनिया से लड़ने का जज्बा है उसमें। यही तो परेशानी है मुझे, यही तो परेशानी है, उसको ढूंढ के लाओ, कहीं से तलाश करो उसको, उसका मिलना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूं। या अल्लाह वली खैरियत से हो, उनकी हर मुश्किल आसान हो, मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई और सहारा नहीं। या अल्लाह, मैं बेसहारा नहीं होना चाहती। वली की मुश्किल धुएं के बादल की तरह छट जाए। मेरे मालिक, वली की मदद करें। ये क्या मांग रही हूँ मैं? क्या मैं वली से मोहब्बत करने लगी? तुम्हें तकलीफ ना होती ना भाई, तुम्हें कभी एहसास ही ना होता कि मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई तुमने। तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, आज के बाद जो भी सूरज चढ़ेगा ना मेरे लिए रोशनी, तेरे लिए तारीखी लाएगा।
दरवाजा खोलो। जी आंटी। तुम्हारी आखिरी बार वली से कब बात हुई? वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। आंटी मेरा देखो देखो आंटी मेरा तो रात से रابطہ। सच सच बताना आंटी, मेरा कल रात से उनसे रابطہ नहीं हुआ, मेरी बात ही नहीं हुई। मैं मान ही नहीं सकती, तुम तो इस घर की पल पल की खबर देती हो उसे। मुझे बताओ कब बात हुई है तुम्हारी? आंटी नहीं, मेरी बात का यकीन करें, मेरी बात नहीं हुई। मैं यकीन कर लूंगी, अगर तुम सच बोलोगी ना तो मैं यकीन कर लूंगी। फिलहाल तो मुझे बताओ, मुझे लगता है मेरा बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे बताओगी तो मैं उसके लिए हाथ पैर मारूंगी। आंटी मैंने कोशिश की थी लेकिन उनका नंबर मिल ही नहीं रहा। है नहीं बोलो, है नहीं, तुम गलत समझ रही हो। नहीं भाई, मेरा वली ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने मफाद की खातिर किसी की जान का सौदा करे। नहीं, दानियाल गलत कह रहा है, वो उसे पसंद जो नहीं करता। रहने दो एनी, तुम उसी के दिमाग से सोचोगी और उसी की जबान बोलोगी। ये सब वली के साथ दानियाल ने तो नहीं करवा दिया? तो तुम नहीं बताओगी? नहीं, मैं जानता हूं जिसने ये सब किया। आप हुक्म करें तो उसे आज अभी जहन्नम विसाल कर। नहीं, उसका जुल्म बहुत बड़ा है, पर मेरा रब भी बहुत बड़ा है। मेरा रब इंसाफ करेगा। मैं जानता हूं मेरे एक इशारे पे उसकी जान ले सकते हैं आप। पर वो है, मैं वो नहीं। मेरा रब देखेगा, बड़ा जुल्म कर दिया है उसने, बड़ा जुल्म कर दिया है। आप परेशान ना हो लीवा, मेरे रब ने हर बार आपको मुश्किलों से निकाला है। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो आपको सुरखरू करेगा। आमीन आमीन आमीन। वली बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है मामा, अब जेल जाना उसका मुकद्दर और सारी जिंदगी वहां गुजारना उसका नसीब होगा। इस दिन का तो मैं शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, जब वली को हथकड़ियां लगा देखूं और इस बुढ़िया का भी पत्ता साफ हो जाएगा, फिर इस घर पे और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। आप बेफिक्र रहिए ना, मुझ पर भरोसा करें, मैं गिन गिन कर बदले लूंगा इन दोनों वहां पे कैसे। एक बार मेरी हुदा से शादी हो जाए उसके बाद तो ताईजान भी इस घर में नहीं रह सकेंगे। तुमने वार इतना तगड़ा किया है कि दोनों माँ बेटा बिलबला उठेंगे, लेकिन होशियारी से, वली बहुत चलाक है, ऐसा ना हो कि पुलिस को भी चकमा देके कहीं निकल जाए। नहीं मामा नहीं, इतना तेज नहीं है वली, और जो कुछ मैंने उसके साथ कर दिया है बच नहीं सके। सारे कर्ज सूद समेत लौटाए हैं मैंने, अब वो सारी जिंदगी भी लगा दे, ये सूद चुका नहीं पाएगा।
शुक्र है खुदा का, ये आखिरी कांटा भी निकल जाएगा, फिर हमारी जिंदगियों में सुकून ही सुकून होगा। तो मामा एक काम कीजिए ना, आप मेरी शादी की तैयारियां स्टार्ट करें, पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि दानियाल अकबर हुसैन की शादी हो रही है। ढोलकी रखें घर में, वहां वली के ताबूत में आखिरी कील तो लगने वाला है, यहां पर मेरी खुशी तो सेलिब्रेट की जाए। इसकी तुम फिक्र ही नहीं करो बेटा, जश्न तो पहले से भी बढ़कर होगा, अब पूरे 7 फंक्शन होंगे तुम्हारी शादी पे। वली कहाँ है आप, और ये सब क्या चल रहा है? बिया वो लाशें, छोटे छोटे यतीम बच्चे, वो मैं बेकसूर हूं, किसी से अपने गवार है। मुझे अंदाजा है ये सब किसने किया, आप पुलिस को बता क्यों नहीं देते? मुझे पुलिस का किसी का कोई डर नहीं है, बस वो लाशें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। मैंने देखा, सब सबूत मेरे खिलाफ है, सबको ये लग रहा है कि ये जुल्म मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। तो ढूंढे ना सबूत, लाकर दें आप पुलिस को सबूत। मैं जानती हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है, किसी की जान नहीं ले सकते। तुम्हें मेरा यकीन है ना, तुम मेरा यकीन करती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया? खुद से भी ज्यादा, और हमेशा करती रहूंगी। और मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया को ये बता दूं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने ना बताया ना, तो मैं ही सबको बताऊंगी। तुम्हें मेरे पे यकीन है? किसी को मेरे पे यकीन नहीं है, सबूत सब मेरे खिलाफ है, मुझे सही से सांस नहीं आ रहा, मैं कांप रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, वो लाशें, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने मुझ पे यकीन किया, तुम्हारा यकीन मेरे लिए बहुत कीमती है भैया। तुम मेरे साथ रहोगी तो इस जमाने से लड़ने की कोशिश कर लूंगा मैं, चाहे कोई आप पर एतबार करे ना करे, मुझे हमेशा आप पर एतबार रहेगा। आप हिम्मत और हौसले से अपनी बेगुनाही साबित करें। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी से नहीं जीतना ना, मुझे किसी को हराना है, बस दुआ करो कि खुदा इंसाफ कर दे, जो हुआ है अब तुम इंतजार करोगी ना खुदा के इंसाफ का, तुम साथ हो ना मेरे। हाँ, क्योंकि मैं इस भरी दुनिया में अकेली हूँ आपके बगैर, इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, मुझे इंतजार रहेगा आपको, मेरी दुआएं आपके साथ। ये क्या कहानियां सुना रही हो उसे? जी वो कुछ नहीं, मैं बस उनकी खैरियत पूछ रही थी। वली पहले ही बहुत परेशान है और तुम अपना रोना लेकर बैठ गई होगी, तुम कब तक बोझ बनी रहोगी मेरे बेटे पर? जब से तुम वली की जिंदगी में आई हो, उसकी परेशानियां ही खत्म नहीं हो रही। जाओ भाई, निकल जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। आंटी आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं कुछ समझी नहीं। शादी कर लो, वली अपने मसले मसाइल में घिरा हुआ है, अल्लाह जाने उसकी मुश्किल कब आसान होगी, और मैं कब तक तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ? आंटी मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, जल्दी अपना बंदोबस्त कर लूंगी। इतनी आसानी से जॉब मिलने से रही, मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। वैसे मेरी नज़र में है एक तुम्हारे लिए रिश्ता, बहुत अच्छा लड़का है, और उसकी आला जरफी देखो, उसने तुम्हारे माजी को जानते हुए तुमसे शादी करने का इजहार किया। बस अपना घर बसाओ और जाओ यहाँ से, नेकी भी तब तक नेकी रहती है जब तक किसी पर बोझ ना बने, और तुम मुझ पर और वली पर बोझ बनती जा रही हो। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं जल्दी यहाँ से जाने का इंतजाम कर लूंगी। इंतजाम नहीं करना, शादी करनी है, और वो भी जिस लड़के से कहा है उससे,
क्योंकि वली तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है। सरफराज से तो तुम मिल चुकी हो, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। क्या ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बात की तो मुझे हैरत है, किसी मर्द को थप्पड़ खाकर कोई लड़की कैसे अच्छी लग सकती है। लेकिन सरफराज जरा अलग मिजाज का लड़का है, इसीलिए तुम अच्छी लगी हो उसे। मुझे तो लगता है तुम्हारी लॉटरी लग गई है, ऐश करोगी ऐश, दुनिया घूमोगी तुम। आंटी मैं ये शादी नहीं कर सकती, दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मेरे लिए एक तजर्बा काफी है। पागल हो गई हो तुम? जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ हर बार ही बुरा हो, उसने खुद तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आंटी आप जो भी कहें, अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। तो फिर क्या करोगी तुम? वली को तंग करोगी? वली तो खुद क्राइसिस से गुजर रहा है, वो अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर अब भी तुम उसे तंग करोगी ना तो वो चिढ़ जाएगा तुमसे। देखो वली की हमदर्दी को मोहब्बत समझने की गलती मत करो, वो असफंद अली का बेटा है, वो अपने सिवा किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। सरफराज बहुत अच्छा लड़का है, तुम वली की खातिर उसे उसे हाथ से मत गवाओ। आंटी आप जो भी कहें, मैं सरफराज से शादी नहीं कर सकती। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? तो ठीक है, आप मना नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ, आप मुझे उनका फोन नंबर बताएं। ना उसे मैं मना करूंगी और ना ही तुम मना कर सकती हो। मैं सरफराज को हाँ कर चुकी हूँ, तुम्हारी शादी सरफराज से ही होगी, इसलिए बेहतर होगा इज्जत से मान जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती भी कर सकती हूँ। आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है। तुम शराफत से मान जाओ, वरना इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, वली भी नहीं। आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ अकबर, आज घर में ढोलकी रख लेती हूँ। दानियल की शादी में दिन भी कम रह गए हैं, थोड़ा सा घर में हल्ला गुला हो जाएगा। नरबीन, घर में परेशानी चल रही है, इस मौके पे ढोलकी रखना मेरे ख्याल से तो नामुनासिब है। ये परेशानी मेरी बेटी की वजह से नहीं चल रही है, मेरी बेटी की तो शादी है, मैं तो खुशी मनाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो अकबर आपसे बात करनी थी, अगर आप बुरा ना मनाए तो। बोलो क्या कहना चाह रही। आप भाभी बेगम से कहें ना कि वो रानी हार खुदा को दे दें, बच्ची खुश हो जाएगी ना। कुछ नामुनासिब सा लग रहा है मुझे, लेकिन खैर बात करके देखता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भाभी बेगम से बात जरूर करेंगे, और भाभी बेगम भी आपको इनकार नहीं करेंगी, आफ्टर ऑल आप उनका इतना ख्याल रखते हैं, उनको इतना मान देते हैं। देखो शायद बड़े दिन हो गए कंदील नहीं आई, उसे कौन आके मुझे मिले। बस आने वाली है ना, और शादी तक यहीं रुकेगी। अच्छा 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 अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बशीर गाड़ी निकालो। वली असफल यार वली असफंद यार। नारे लग रहे हैं वली मुर्दाबाद, और मुझे लग रहा है कह रहे हैं दानियाल जिंदाबाद। प्लीज प्लीज खामोश हो जाइए, प्लीज बताइए क्या बात है। कहाँ है वली? उसे बाहर निकालो, उसे हम इस तरह मुंह नहीं छुपाने देंगे, उसे हमारे सामने आना ही होगा, बताना पड़ेगा उसने हमें धोखा क्यों दिया है। अरे आप वली को ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ क्यों आ गए?
हम लोगों का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जाइए कहीं और जाकर उसे तलाश करें। तो आखिर वली कहाँ गया? हम उसे कल से तलाश कर रहे हैं, उसका तो फोन भी बन जा रहा है। आप सबके साथ फ्रॉड करके गया है वली, समझते हैं ना इस बात को? वो अकेला आप सबके घर पर बात करके चला गया है और आपको लगता है वो अपना फोन ऑन करके बैठा होगा। अरे जाइए जाइए कहीं और जाकर उसे तलाश करें। आखिर बचकर जाएगा कहाँ? उसे तो हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हमारे करोड़ों की रकम फंसी हुई है, उसे हर सूरत में रकम वापस करनी पड़ेगी। और हाँ, जरा अपने वालिद अकबर हुसैन को तो बुलाओ, हमने तो उनके मुंह पर एतमार किया था। आज के बाद मेरे बाप का नाम लेने से पहले 100 बार सोचिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोगों ने तो आपको चॉइस दी थी, या तो हमारे साथ मिलकर काम कर लें या वली के साथ। आपने क्या किया? आपने वली की साइड चूज की और इन सब लोगों की बर्बादी की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर आती है, वली के साथ साथ। इसलिए यहां पर शोर करने से बेहतर है चुपचाप इज्जत से चले जाइए। ना तो हमारा वली से कोई ताल्लुक है, ना वो यहां पर आपको मिलेगा। बिला वजह मेरे वर्कर्स को परेशान मत करो, जाइए। अच्छा तो ठीक है, आप सब लोगों से कोर्ट में ही मुलाकात होगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का नुकसान हुआ है, मैं भरपाई करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस एक छोटी सी गुजारिश है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। वली भागने वालों में से नहीं है, आपके नुकसान की भरपाई होगी। तुमने हमें इतना बेवकूफ समझ रखा है कि मोहलत दे दें? अरे अगर मोहलत दे भी देंगे, तुम्हारे हाथ कौन सा कानून का खजाना लग जाएगा? तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा वली, तुम्हारे तो अपने भी तुम्हें ओन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर हमें सारा पैसा वापस चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे, वली भागने वालों को सुनाई है। आंटी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। माजरा, खबरदार दरवाजा मत खोलना। लेकिन बेगम, मैंने तुमसे क्या, मेरी इजाजत के बगैर ये दरवाजा नहीं खुलेगा, और मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वली को कुछ मत बताना, वो पूछे तो कोई भी बहाना कर देना। जी ठीक है, जाओ यहाँ से। अन्या वैसा क्यों कर रही है? सरफराज, इससे पहले के हालात ज्यादा खराब हों और तुम मुझसे शिकायत करते फिरो, बेहतर होगा कि अभी मौका है उससे फायदा उठाओ। वली अभी अपने मसलों में घिरा हुआ है, उसका ध्यान नहीं है एमबिया की तरफ, लेकिन उसे जैसी फुर्सत मिलेगी वो आएगा, और फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। क्या तुम इस्लामाबाद चले गए हो? सरफराज फौरन वापस आओ और इस लड़की से निकाह करके इसे यहां से ले जाओ। एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा है और तुम इस्लामाबाद पहुंच गए। हद है भाई, फौरन वापस आ। आंटी प्लीज दरवाजा खोल दे, आंटी मैं चली जाऊंगी यहां से, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें आंटी, दरवाजा खोल दे। Thank you.
इन तस्वीरों को देख के तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। Too good, yaar. Thank you. Too good. This one's my favorite, by the way. भाई तुमने तो कमाल कर दी। पहली दफा जनाब ने कोई काम कहा है, इनकार तो नहीं कर सकता। कोई और हुक्म? इन पिक्चर्स को वायरल करो, खासतौर पर इस वाली को, ये मेरी फेवरेट है, अच्छी लग रही है। डोंट यू वरी, इनको जहां तक वायरल कर सकते हो वायरल करो, पूरे सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स फैल जानी चाहिए आग की तरह। हमारी आवाम को पता चलना चाहिए भाई, उनकी फेवरेट मॉडल पैसों के लालच में कैसे अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रही है। सो सैड। पर सुनो, कैप्शंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बल्कि कैप्शंस मैं तुम्हें दूंगा, आई एम वेरी गुड विद कैप्शंस। क्लासी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। डोंट यू वरी, वैसे भी इन पिक्चर्स के बाद इन मैडम का करियर तो खत्म, इनफैक्ट ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। सिर्फ करियर ही नहीं, मुझे इसकी जिंदगी तबाह करनी है। बहुत पुराने हिसाब है जो चुकता करने हैं। बस कल का सूरज एनी और उसकी मां के लिए जिल्लत भरा होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। डू यू अंडरस्टैंड? तुम फिक्र ना करो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट सोशल मीडिया के तमाम ब्लॉगर्स को लाइन अप कर लिया है मैंने, और एक साथ हम पूरे सोशल मीडिया को कवर करेंगे। मेरी जान, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत, मजबूत से मजबूत असाब के लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। बस अब कल के दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। कल का दिन इस पूरे खानदान की तबाही का दिन हो। And I really can't wait for that. Do you get it? पैसों में कुछ बंदोबस्त किया? कोशिश कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा। मैंने सुना है वो लोग तुझे ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। तुझे मालूम हुआ है आखिर ये घटिया हरकत की किसने? थानेहाल ने। किसने? थानेहाल ने। इन्वेस्टर्स को भी वही भड़का रहा है कि मुझे ज्यादा वक्त ना दिया जाए, मेरे सारे रास्ते बंद कर रहा है। What? दानिया? वो इस हद तक गिर सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तू कैसे कन्विंस करेगा दुनिया को कि तू बेगुनाह है? नहीं, ऐसा नहीं है अनस। वली को अपनी बेगुनाही साबित करने की परवाह नहीं है। परवाह है उन बेगुनाह लोगों की जिनकी जान गई। उन 40 खानदानों की जिन्हें उजाड़ दिया उसने। बच्चों की जो यतीम हो गए, छोटे छोटे बच्चों की आंखें सवाल कर रही थी मुझसे कि हमारा बाप कहाँ है, और मेरे पास उन्हें देने को जवाब नहीं था।
अपनी बेगुनाही साबित करने की परवाह नहीं है मुझे। चालीस जनाजे, चालीस खानदान उजाड़ दिए उसने, चालीस खानदान। वली, ये जो दानियल जैसे मुर्दा जमीर लोग होते हैं ना, ये कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। ये मौके ढूंढेगा तेरी टांग खींचने के, तुझे दुनिया के सामने जलील करने के। जीत तो गया यार, जीत गया है। पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे गुनाहगार साबित कर दिया है। मेरी कंपनी की रेपुटेशन पूरी दुनिया के सामने खराब कर दी है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मरे हुए लोग कहां से वापस लाऊंगा मैं? चालीस खानदान, छोटे छोटे बच्चे यतीम कर दिए उसने। वली, मैं और नैवेश आंटी तुझ पर पूरा यकीन रखते हैं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह दोबारा अपने पांवों पर खड़ा होगा। अरे आप लोग यहाँ कैसे? किसने आने दिया आप लोगों को अंदर? वली, असफंद अली के खिलाफ हमारे पास वारंट है, हम उसे गिरफ्तार कर लें। आप बीच में छटे, आने दो इन्हें। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, हमें आपको गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करो इसे। किन्ने गुजर गए साल तांवी, अधूरे निसार सवाल तांवी, पता है कि नारजमंद हो मुझे तुम अभी भी।